जी, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। और आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स से इस बार एग्जाम दिए हैं डीएलएड का या जो देने वाले हैं, उनके एक्सपेक्टेड कटअप के ऊपर बात कर लेते हैं। और यह कटअप जो है आपके 2022 और 23 के एनालिसिस के ऊपर बेस है, क्योंकि आप सभी लोगों को यह पता होनी चाहिए कि आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। ऑलरेडी हमने जो है आपको एक मिक्सअप जो है कटअप बताया है, लेकिन अब मैं आपको जो है सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलरली जो है आपके आर्ट्स कॉमर्स या जो आपके उर्दू है या जो आपके साइंस है उसको मैं बता रहा हूँ। इससे पहले हमने जो है आपको उर्दू के बता दिया है, साइंस का भी बता दिया है, और अभी हम जो है आपके आर्ट्स के बता रहे हैं। और आर्ट्स के अंदर जो है वो सारे बच्चे आ जाएंगे जो कॉमर्स वाले भी हैं आर्ट्स वाले भी हैं। मैं आपको बता दूं कि आर्ट्स का जो कटअप होता है वो मीडियम जाता है, यानी कि इसके ऊपर साइंस होता है और इसके नीचे उर्दू होता है। तो यह जानना बहुत जरूरी है कि इस बार जो है आपका आर्ट्स का कटअप जो है कितना जाने वाला है, यह मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक चीज क्लियर करते चलूंगा, तो उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं अपनी स्क्रीन पर, और जहां पर मैं आपको सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देने की बात आपका यह है कि इस बार जो आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है वो आपका काफी लंबा दिन चलेगा, इस पूरे महीना चलेगा। तो इस बार जो हम बताने वाले हैं आपको आर्ट्स का कटअप, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए यह कटअप रहने वाला है, जहां पर इस बार अगर हम क्वेश्चन लेवल की बात करें, क्वेश्चन जो है किस लेवल का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमने जो है मीडियम लिख दिया है, मध्य लेवल का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। यानी इस बार का जो एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न पूछा जा रहा है, ना वो आपके हार्ड है ना ही वो आपका इजी है, बीच का क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है। तो इस बार जो है कटअप थोड़ा ज्यादा जाएगा पिछले साल की अपेक्षा, क्योंकि कारण दो है, क्वेश्चन का लेवल भी मीडियम है और बच्चों की संख्या जो है इस बार 6.5 लाख से ऊपर है। यानी कि जो आपका बच्चों की संख्या है वो कितना है, 6.5 लाख से ऊपर है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेड कटअप ऑफ सोशल साइंस, जिसके अंतर्गत आर्ट्स और कॉमर्स आ जाएंगे। चलते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो कटअप मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि यहाँ केवल ये जो है उन बच्चों के लिए है जिनका ग्रेजुएशन नहीं तो ट्वेल्थ में आर्ट्स है और वह जो इस बार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं उनके लिए ये कटअप है। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा इस कटअप के आधार पर आपको मैं बता दूं कि आपका एक लिस्ट, दो लिस्ट, तीन लिस्ट और आपका लास्ट में स्पॉट राउंड निकलता है, समझ गया। तो चार लिस्ट में आपका एडमिशन प्रक्रिया होता है और यह जो कटअप है आपके पहले लिस्ट के लिए है, क्योंकि जैसे जैसे जो है लिस्ट नीचे आते आता है वैसे वैसे कटअप में थोड़ा कम जो है दिखने को मिलता है, समझ गए ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वैसे बच्चे जो जनरल कैटेगरी से हैं और अगर वो जो है आपके आर्ट्स स्ट्रीम से होंगे तो उनका जो है 78 से 82 कटअप जाने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी जो है 75 से 80 के बीच में था, हमने 2-3 नंबर ज्यादा ही लेकर चल रहे हैं, समझ गए ना। वहीं पर अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लेंगे तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों की इस बार जो कटअप जाने की उम्मीद है वो आपका 75 से 78 के बीच में जाने वाला है। इससे पहले वाले बच्चों का कटअप जो था वो आपका 73-74 था, तो इस बार जो है 75 से 78 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे ओबीसी वाले बच्चों का, तो ओबीसी वाले बच्चों का कटअप थोड़ा ज्यादा जाएगा, इस बार 75 से 80 के बीच में रहेगा और इसके पहले भी जो है आपका वही कटअप था, इसके पहले भी जो है आपका 75 से 80 के बीच में ही था, समझ गया ना। वहीं पर अगर हम ईबीसी की बात कर लेंगे तो ईबीसी वाले बच्चों का जो कटअप रहने वाला है आर्ट्स स्ट्रीम से वो 74 से 78 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, 74 से 78 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात कर लेंगे एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी में बच्चों का जो कटअप देखने को मिलेगा इस बार आपको 68 से 72 के बीच में देखने को मिलेगा, इसके पहले जो है 65 से 70 के बीच में था, लेकिन 70+ भी हुआ था, याद रखिएगा। तो इसलिए मैंने 2-3 नंबर ज्यादा नहीं लेकर चल रहा हूं, ताकि आपका कटअप इस बार थोड़ा ज्यादा जाएगा, ये उम्मीद है पूरी, समझ गए ना। यहाँ पर अब देखिएगा एसटी की बात कर लेंगे तो इनका 65 से 70 के बीच में जो है देखने को मिलेगा इस बार कटअप आर्ट्स स्ट्रीम में। पीएच कैंडिडेट की बात कर लेंगे तो इनका भी 65 से 68 के बीच में देखने को मिलेगा, और जो बच्चे फ्रीडम फाइटर वाले होंगे उनका 65 से 68 के बीच में इस बार कटअप देखने को मिलेगा, समझ गए ना। तो यह जो कटअप है यह आपका जो है बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का आपका एक्सपेक्टेड कटअप है, जो कि आपका सोशल साइंस यानी आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के लिए है, जो 12 और ग्रेजुएशन किए होंगे इस विषय से, उनका कटअप जो है ये रहने वाला है। ऑलरेडी हमने जो है साइंस का बता दिया है, अगली वीडियो में मैं आपको उर्दू का भी बता दूंगा। उर्दू का कटअप जो है कम रहता है, इनसे दोनों से कम रहता है, तो बच्चे को थोड़ा बेनिफिशियल मिलता है, समझ गए ना। तो ऐसा करते हैं कि आप समझ गए होंगे मेरी बात कि इस बार आपका जो है आर्ट्स और कॉमर्स का जो है कटअप आपका ये रहने वाला है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ओके जी।